नमस्कार दोस्तों, नेशनलिटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। नैगो वार्ड नंबर एक से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मीना वर्मा से हुई चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत, आइए जानते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता दीपक से क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा नेशनलिटी चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। आजकल चुनाव 14 फरवरी के बहुत जोरों पे हैं, कल ही मतदान हो वोट डालने वाली हैं। तो आज हम वार्ड नंबर एक से मीना वर्मा जो कैंडिडेट हैं नए गांव से, आज उनसे उनकी रणनीति पार्टी के बारे में जानेंगे। हाँ जी मीना जी, आपका स्वागत है। आप अपनी पार्टी के रणनीति के बारे में बताइए, मैं जनता को क्या बोल चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी आम आदमी पार्टी का, श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री भगवंत मान जी, श्री जगदेव सिंह मलोया जी का, जिन्होंने मुझे पार्टी में ज्वाइन किया, मुझे चुनाव लड़ने का एक मौका दिया। मैं आम आदमी पार्टी की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी जनता से भी अपील करती हूँ कि अब की बार आम आदमी पार्टी को भारी से भारी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटें हो सके उतनी वोटों से अब की बार आम आदमी पार्टी को लेके आओ, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, हमने अपने ही वार्ड में आजाद उम्मीदवार जिताया जो बिक गया, अकाली बीजेपी में चले गया। ना तो अकाली बीजेपी ने कोई सुधार किया, ना ही आजाद पे हम भरोसा कर सकते हैं। और कौंसल भंग हुए, लगभग एक साल हमारी कौंसल भंग हुई रही थी, हमारे कांग्रेस के अंडर ही सारा काम था। कांग्रेस के उम्मीदवार जो आज लड़ रहे हैं सबको भरोसा दे, किसी ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की भी सरकार देख ली हमने, अकाली बीजेपी की भी सरकार देख ली, सबके उम्मीदवार देख लिए। अब की बार मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मौका दें, जैसे लेडीज ने अपने कंधों पे अपने वार्ड का पूरा बोझ उठाया हो, जिसने हर एक समस्या को पूरी जमीनी तौर से उसको समझा हो, उसको मौका मिलना चाहिए और वही आपका सुधार कर सकता है। ये जो चार दिन के बाद जो निकले हैं आपसे वोट मांगने, चार दिन में ये चले जाएंगे, ये कुछ नहीं आपका सुधार करेंगे। आप ईमानदारी से वोट डालो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के दबाव में मत डालो। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की समस्या हो, किसी को भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, एसटीपी की जो भी समस्या है यहाँ पे, किसी का गंदा पानी नहीं निकल रहा है, महिला सुरक्षा, बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पे, चोरियाँ होती रहती, कोई भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमारा एजेंडा है, थोड़ा हमारा जो वार्ड है एकदम टूटा फूटा सा वार्ड है, इसमें हम क्लीन एंड ग्रीन का भी एक लेके आ रहे हैं कि हर वार्ड में पूरा ही क्लीन रहेगा और ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारी पार्टी महिलाओं बच्चों का भी पूरा ध्यान रखेगी और सब कुछ स्वच्छ पानी, 24 घंटे बिजली और पानी और जो भी गंदे पानी की जो है पाइपलाइन, इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखेगी, आपकी हर समस्या का हल होगा। और सिर्फ एक ईमानदार आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी ही आपकी समस्याओं का हल कर सकती है और किसी पे भरोसा मत कीजिए, मेरी आपसे यही उम्मीद है और प्रार्थना भी है। जी मैडम, आपको क्या लगता है कितनी वोटों से उम्मीद रखते हैं आप इस बार? अब की बार आम आदमी पार्टी बनेगा में 19 हमने उम्मीदवार उतारे हैं, सबके सब क्लीन स्वीप से जीतेंगे और हमारा ही प्रधान बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैडम, यदि आपकी पार्टी आने वाले टाइम में सरकार आ जाती है तो आप जनता को क्या सुविधा प्रदान करें, जो अधूरे काम रह गए जो कांग्रेस अकाली जो सरकार थी पहले नहीं करवाए, अब आप बताइए क्या जो काम कराएंगे आप इस पार्टी सरकार आ जाती है तो? सबसे पहले हम यहाँ पे गंदे पानी की निकासी की सुविधा देंगे, दूसरा हम स्वच्छ पानी की सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे 24 घंटे और बच्चों की जो पढ़ाई का है, पार्क है और सुरक्षा है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की, ये सारी हम सुविधाएं देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं रीना जी बैठे, इनके ये भी सपोर्ट कर रहे हैं काफी। रीना जी, आपका क्या कहना है अपनी आम आदमी पार्टी के बारे में? हाँ जी, मैं तो यही चाहती हूँ सर कि बस हमारे वार्ड की जो भी समस्याएं हो वो आम आदमी पार्टी दूर करे। और जैसे मैडम है बहुत ईमानदार हैं और भरोसेमंद भी हैं, हम इनके साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और ये हम अगर ये आते हैं तो हमारे वार्ड की सारी समस्याएं खत्म होंगी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन मैडम, यदि आप हमारे चैनल के थ्रू जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के थ्रू मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड वासियों प्लीज कल निकलो, हर बंदा वोट डाले, अपने मत का अधिकार जो है आपको मिला, सारे अपना अपना मत का प्रयोग करें और आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू निशान है उसी का बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं ताकि मैं आपकी समस्याओं का हल निकाल सकूं। धन्यवाद। नेशनल चैनल के जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चल बहुत